ये यहाँ पे होटल है और ये जो आपको तीन छोटे केबिन दिख रहे हैं ये यहाँ का राइट नाइट पे स्टे करने के लिए रूम है। ये तो ये आप यहाँ पे आके रूम रेंट पे लेके आज यहाँ पे नाइट भी स्टे कर सकते हैं, नाइट कैंप भी कर सकते हैं। ये रिफ्रेशमेंट के लिए होटल बनाया हुआ है और ये बाहर कुछ कुर्सियाँ भी हैं, चाय वगैरह पी हैं, आप यहाँ बैठ के सुकून से खाना वगैरह खाएँ। कुदरत देखें माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जगह है। ये पानी सीधा जाता है नीचे दरिया सिंध में जाके शामिल होता है, फिर ये सीधा आगे सिंध की तरफ जाता है। चलो हम आपको इधर अंदर जाके रेस्टोरेंट भी दिखाते हैं यहाँ का। ये यहाँ का रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आके आप ये हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये होटल के ऊपर छत पे, तो यहाँ भी यहाँ से बड़ा अच्छा नज़ारा आपको नज़र आएगा। क्या बात है, ये देखिए यहाँ पे कुछ पुलिस भी हैं अपने काम निभा ड्यूटी निभा रहे हैं बड़े पाबंदी के साथ। यहाँ के पुलिस बड़े कोऑपरेटिव हैं और हर वक्त हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं ये लोग यहाँ पे। तो ये देखेंगे हमारे ऊपर टॉप व्यू से नज़ारा है, ये होटल के ऊपर टॉप व्यू का नज़ारा है। और ये जैसा कि मैंने कहा था आपको, ये वाटरफॉल का पानी नीचे यहाँ से जाके सीधा दरियासी में जाके शामिल होता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आप यहाँ पे ज़रूर आएँ विज़िट करें। तो भाई हम यहाँ पे घूमने आए थे आज एस्कर्दू से स्पेशल, यहाँ पे वाटरफॉल घूमने आए थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये पीछे नेचुरल वाटरफॉल है, ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। यहाँ पे आप आके रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं, नाइट स्टे भी कर सकते हैं, कैंपिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आके कुछ फ़िशिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे फ़िशिंग पॉइंट भी बना हुआ है, यहाँ पे फ़िशिंग पर फिश पकड़ के आप वहीं पर पका के खा सकते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल मौसम ख़ज़ा का वक्त है, पत्ते गिर रहे हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। आप देखें ज़रा पत्तों का भी ये कलर चेंज हो रहा है, दरख्तों का कलर भी चेंज हो रहा है। और तो आप लोग बड़ा घूमने आए, ज़रूर घूमने आइएगा। ये एस्कर्दू से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, 2 घंटे का सफ़र होगा आपको। तो यहाँ से आगे एक और वाटरफॉल है, आगे खामोश वाटरफॉल है। खामोश वाटरफॉल ही बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत वाटरफॉल है, वो भी नेचुरल वाटरफॉल है। तो इंशाल्लाह वहाँ भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे वाटरफॉल। और यहाँ से हम कुछ खा पी के रिफ्रेशमेंट करके आधे घंटे हम यहाँ पर रुक के नमाज वगैरह पढ़ के जाएँगे, तो फिर इसके बाद हम आपको आगे जाके वाटरफॉल दिखाएंगे खामोश। तो चलें ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।